हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आयत एंड आयत इंटरप्राइजेस में। मेरा नाम है फहीम अंसारी, मैं अभी आयत नगर फेस वन में हूँ। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है, मैंने यहाँ पे अभी दो तीन रूम का पोजीशन दे चुका हूँ, तो ये भी मैं यहाँ पे समीम बानो जी का पोजीशन देने आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा यहाँ से आपको देखने मिलेगा, पूरी ढोलपुरी जो है पूरी रेडी, यहाँ तक के लगी हुई जो पूरी कंप्लीट ढोलपुरी पूरी लग चुकी है। ये रूम जो है टोटल 600 स्क्वायर फीट में 3 BHK का रूम है। बहुत खूबसूरत तरीके से रूम बना हुआ है। और रूम जो है हमारे समीम बानो जी जो है अभी यहाँ पे खड़े हैं, उनकी पूरी फैमिली भी है यहाँ पे, आप जैसे देख सकते हैं। तो हमारी रूम की ओपनिंग जो है हमारे समीम आपा अपने हाथ से करेंगे। ये बाजू आ जाओ, क्योंकि बीच में दरवाज़ा आएगा, दरवाज़ा खोलेंगे तो अभी समीम आपा जो है अभी अपने हाथ से खोलेंगे। और अभी ये जो आओ 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 यहाँ पे इधर से आ जाओ, इधर से दरवाज़ा आएगा। ये बीच में यहाँ पे इस वक्त रिबिन काटेंगे हमारे समीम आपा यहाँ पे इस वक्त। बहुत क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो समीम आपा को ये रूम। और अभी रूम खोलेंगे हमारे समीम आपा जी। ये घर की अरमान होती है सबकी, सीधा कदम जो है अपना पहला कदम जो है बिस्मिल्लाह बोल के आप रखे, आप सब के सब आप रूम के अंदर जाते हुए, जैसे अभी इनकी पूरी फैमिली रूम के अंदर जा रहे हैं। और ये पूरे फैमिली मेम्बर जो है यहाँ पे रूम के अंदर जा चुके हैं, रूम का पूरा लाइट वगैरह ऑन कर रहे हैं। और पूरी फैमिली किस तरीके से ओपनिंग की है आपने देखा, रिबिन वगैरह खड़ गया रूम के अंदर। अभी रूम देखने के बाद आप बड़े खुश हो जाएंगे कि रूम किस तरीके से हमने इनको बना के दिया है। तो अभी हम लोग रूम के अंदर का भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से हमने ये रूम बनाया है। तो ये जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये बाहर का ये डोर वगैरह, ये जितना भी है नीचे की, ये पूरे फैन, ये देखो बलून्स में अंदर उड़ रहे, क्या बात है। 600 स्क्वायर फीट का हॉल आप देख रहे हो कि ये हॉल कितना अच्छे तरीके से ये हॉल पूरा, अरे वाह, झूमर भी लगा हुआ है, आप जैसे देख रहे हो ये देखिए झूमर भी लगा हुआ है। और ये 600 स्क्वायर फीट में लाइट वगैरह कंप्लीट करके ये लिए हैं। ये देखिए ये पूरा 600 स्क्वायर फीट का ये बलून्स जो है यहाँ पे, ये फूटेंगे अभी थोड़ी देर में, जोरों शोरों से फूटने वाले हैं। 600 स्क्वायर फीट का इनकी अरमान, और ये अरमान पूरी हुई है। ये देखिए आपके सामने कितना खूबसूरत लग रहा है ये रूम देखिए, और पूरी फैमिली भी यहीं पे खड़ी है। तो मैं अभी ये रूम दिखा देता हूँ आपको अभी। तो ये जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, सबसे पहला फर्स्ट बेडरूम, ये बेडरूम के अंदर जो ये क्या बनाया है इन्होंने आप देखेंगे। ये देखिए आपके सामने, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, मेरे आगे पूरे बलून्स उड़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये रूम देखिए आपके सामने, ये भी पूरा एक बेडरूम, ये एक बेडरूम यहाँ पे हो गया। ये बेडरूम के अंदर जो है टाइल्स कलर ये सारी फैमिली की चॉइस है इनकी, और ये कितना खूबसूरत लग रहा है आप देखिए। ये देखो डिज़ाइन, ये देखिए आपके सामने, ये बहुत अच्छे तरीके से पूरा कंप्लीट यहाँ पे जैसे हम लोग ने काम करके दिया है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड, और यहाँ पे भी आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे भी वो लगा हुआ है आपके सामने टीवी के लिए। यहाँ पे 10x10 का काफ़ी बड़ा बेडरूम, और यहाँ पे भी एक होल्डर का पॉइंट है। फिर हम लोग निकलते हैं फर्स्ट बेडरूम से। अभी यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी लाइन से 3 बेडरूम, 1, 2 और वो तीसरा बेडरूम उधर है। तो अभी हम लोग चलते हैं सेकेंड बेडरूम की तरफ। काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा रूम बना करके लिया है हमारे समीम आपा ने। ये देखिए आपके सामने, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये भी टोटल 10x10 का बेडरूम है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ देखिए आपके सामने, और यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ये 10x10 का बेडरूम। ये देखिए 10x10 का, और काफ़ी हद तक के इतना खूबसूरत रूम नज़र आ रहा है ये, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा है रूम के अंदर। मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही अच्छा रूम बना है ये, हमने सोचा नहीं था। ये देखिए, तो अभी हम लोग चलते हैं इनके थर्ड बेडरूम में और किचन की तरफ भी। तो लाइन से इनके तीनों बेडरूम हैं, और ऐसे रूम बहुत कम बनते हैं। आप रिक्वायरमेंट मत डालिएगा कि ऐसे रूम चाहिए करके, क्योंकि हम बना नहीं पाएंगे, ये रूम बनते नहीं हैं, क्योंकि ये जगह उनको मिल गई थी उनकी किस्मत से। ये एक बेडरूम है, ये भी 10x10 का बेडरूम है। ये देखिए काफ़ी अच्छा, ये पूरी टाइल्स जो चॉइस पूरी इनकी है। और आप जैसे देख रहे हैं ये घर एक ही बार बनता है, इसके लिए इन्होंने अपने हिसाब से जैसा इनको चाहिए था वैसा ही इनको बना करके हमने दिया है। आपको और भी बात पता चलेगी जब मैं आपको बताऊंगा इनका एक सरप्राइज़। तो ये देखिए यहाँ से अभी
बोर्ड वगैरह टोटल कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। चलते हैं हम लोग किचन की तरफ, किचन में भी दिखा देते हैं इनका काम। ये किचन है, ये किचन के ऊपर आप जैसे देख सकते हैं फुल टाइल्स। यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइट नहीं लगाई, किचन में बल्ब नहीं लगाए इन्होंने। ये यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं ये पीयूपी, और यहाँ पे सज्जा सिर्फ इन्होंने बना के लिया है, ऊपर जो है पानी की टाकी लगा के लिया है। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो ये वॉश बेसिन भी यहाँ पे लग गया है, और ये जैसे आप देख रहे बलून है। और ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस मिला है किचन के अंदर, जैसे आप देख रहे हो किचन के अंदर का स्पेस। यहाँ पे किचन जो है एक सेपरेट किचन कर दिया है, और जगह काफ़ी अच्छी बड़ी जगह मिल गई है। आजू बाजू में टॉयलेट बाथरूम है, और यहाँ पे भी पॉइंट दिया हुआ है, वॉशिंग मशीन वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अभी इनके टॉयलेट बाथरूम को भी देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए ये इनका टॉयलेट है, टॉयलेट में भी आप जैसे देख सकते हैं फुल टाइल्स है। फिर उसके बाद में इनके बाथरूम के अंदर भी देख लेते हैं आप, बाथरूम के अंदर गीज़र और गीज़र के पॉइंट यहाँ पे दिए हुए, गीज़र ये लगाएंगे। तो यहाँ पे ये रूम आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत 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 पसंद आया। अभी आप भी बताइएगा कि आपको ये रूम कैसा लगा। तो अभी हम लोग जो है इनकी इन रूम मालिक से, समीम आपा जी और इनकी फैमिली से बात करते हैं, इन्होंने किस तरीके से रूम परचेस किया। तो दोस्तों मैंने जो आपको ये रूम दिखाया, ये हमारा 600 स्क्वायर फीट में 3 BHK का रूम पहली बार इस तरीके से बना करके हमने दिया है। हमारे साथ में एजाज भाई और समीम आपा, उनके बच्चों के साथ में ये खड़े हैं, तो बात करते हैं एजाज भाई। अस्सलाम वालेकुम एजाज, थोड़ा सा माइक को क्लोज रखिए। अस्सलाम भाई, और एजाज भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। एजाज भाई कब से हमारे साथ जुड़े हुए हो? 2 साल हो गया। 2 साल से हो गया जुड़ करके, काफी टाइम से आप यहाँ पे आयत नगर में आ रहे जा रहे हो? नहीं, आयत नगर में तो बहुत 2 साल हुआ आके, इसके पहले हम लोग आपका वीडियो देखे थे मानपुर में। हाँ, तो वहाँ से फिर यहाँ आए। हाँ, तो उसके वजह से हम लोग यहाँ पे रूम ले लिए। अच्छा, आपसे मिलके। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये रूम के टाइम पे हमारे एजाज भाई तो दिन भर काम पे रहते थे। जी हाँ। ये पूरा रूम देखभाल किसने किया है? मेरी वाइफ ने किया। वाइफ ने किया है। हमारी समीम भाभी जो है बहुत अच्छे तरीके से, इनको माइक दे दीजिए 2 मिनट के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाभी, थोड़ा सा माइक को क्लोज रखना। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं बता दूं दोस्तों, ये ज़्यादा दूर नहीं रहते। कहाँ रहते हो समीम भाभी आप? बालाजी। बालाजी मतलब यहाँ से कितना दूर होगा? थोड़ी दूरी पे। तो ये आना जाना, आप यहाँ पे घर आपके सामने पूरा रेडी हुआ, पूरा घर एक एक चीज आपने पूरा करवा के लिए जैसा आपको चाहिए था। किसको किसको परेशान किया? सबको परेशान, यहाँ तक कि आपको। माशाल्लाह, हम तो यही चाहते हैं कि हमारे कस्टमर यहाँ रहे, और रूम इनके हिसाब से और मुझे जैसा रूम चाहिए था वैसा ही रूम बना। इतना खूबसूरत लग रहा है रूम, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। समीम पापा आपको रूम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, तो क्योंकि रूम ही इन्होंने बना के लिया तो अच्छा तो लगना ही था। और ये झूमर कब लगा दिया आपने? झूमर तो था ही नहीं। सुबह 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 झूमर लगाया। अरे बाप रे, वो बहुत तेज़ी से लगाया है, और बहुत अच्छी प्लानिंग हमारे समीम पापा ने करके रखे। तो ये पूरा डेकोरेशन भी जो है समीम पापा का ही है, बहुत मेहनत की इस रूम के लिए इन्होंने भी। अभी रूम में शिफ्टिंग कब लेने वाले हो आप? 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद ही ले लेंगे? संडे और शनिचर छोड़ के डायरेक्ट आप 2 दिन बाद पोजीशन ले लेंगे। आपके साथ में ये दोनों, ये मेरी दोनों लड़कियां हैं। और आपके साथ में और लड़का? सब धंधे पे गए, काम पे। काम पे गए क्या? कितने लड़के आपको? बच्चे तो बहुत हैं। 6 बच्चे हैं क्या? माशाल्लाह। 2 बच्चों की शादी हो गई है। अच्छा, 2 बच्चों की शादी हो गई है, 2 बच्चे काम पे गए, 2 बच्चियाँ इधर है। तो माशाल्लाह 4 लड़के आपको? नहीं, 2 लड़के हैं 4 लड़कियां हैं। 2 लड़के हैं 4 लड़कियां हैं। माशाल्लाह, 4 लड़कियां और 2 लड़के। 2 लड़के काम पे गए, 2 की शादी हो गई, 2 इधर ही खड़े हैं। एजाज भाई ने भी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने साल रेंट पे रहे आप भाभी? 2 साल रेंट पे रहे। इसके पहले कहाँ रहते थे? मानपुर। वो भी खुद का घर था? तो वो है, है। तो वहाँ पे क्यों नहीं रहते हो? वहाँ का जरा माहौल अच्छा नहीं। माहौल अच्छा नहीं मानपुर में, इसके लिए वहाँ से छोड़ दिया आपने? वो रेंट पे देके रखे आपने। और यहाँ पे शिफ्टिंग 2 साल हो गए, तो यहाँ पे परचेस करने का आपका मन कैसे हो गया कि यहाँ पे लेना चाहिए? वीडियो देख के मन हो गया कि लेना चाहिए। माशाल्लाह। तो ये रूम जो अभी इसका EMI कितना है? 16,000। मैंने तो सुना आपने 1 BHK 2 BHK लिया था ना? ये 3 BHK में कैसे कन्वर्ट हो गया? वो सब गुफरान की मेहरबानी। गुफरान की मेहरबानी है, क्या बात है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहला ये फैमिली जब हमारे पास आए थे, एक्चुअल में इनको भाभी को 3 BHK ही चाहिए था शुरुआत में एकदम। हाँ। लेकिन ना जाने इनके बजट के हिसाब से थोड़ा सा ये हुआ कि नहीं जाने दो, ये 2 BHK ही करेंगे।
एजाज भाई भी बोले ना बजट नहीं होगा, क्या बोले थे, ले लो बड़ा ही रूम ले लो, एक दफा हो जाएगा। नहीं, छोटा 400 स्क्वायर फीट का, 400 का बोला था, लेकिन गुबरान बोला ये जगह, गुबरान ने बाद में बोला, पहले आपने ये बोले, पहले तो मैं 400 का बोला, नहीं चाहिए बोले ना, बाद में आया गुबरान दिखाया तो मैं बोला ले लो 600 का एरिया है, भाई को देंगे पैसा आस्ते आस्ते भाई, तो ये जो हाँ एक तो एक साथ में तो नहीं देना था माशाल्लाह, लेकिन ये चीज इनके नजर में यहाँ पे जो मिली है, मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत किस्मत से इनको मिल गया ना भाभी। सही बात है, नहीं बहुत जगह दिखाए लेकिन मुझे कहीं जमा नहीं। ये वाला आपको पसंद आया? ये एरिया मुझे, हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जब आपका डाउन पेमेंट पूरा होता है तो हम आपको साइड घुमाते हैं, आपको जो पसंद आती है वहाँ पे आपको रूम बना करके दिया जाता है। तो ये सिस्टम में भाभी को ये जगह पसंद आई, और ज़्यादातर ये लोकेशन पे रूम ही नहीं है, एक भी रूम नहीं बचे ना, नहीं था, वो तो बस यही बचा था तो मेरे को ये बचा नहीं था, बाद में लिया मैंने, ये बाद में लिया, तो मेरे ख्याल से इसमें आप लोग सेट हो गए करके। तो ये चीज़ इनको मिल गई और यहाँ पे इनका बजट भी बढ़ गया, इनका रूम भी बढ़ गया, इनकी ख्वाहिश भी बढ़ गई, और इनको अरमान था, मुझे अरमान था ना, बहुत अरमान। मैं एक्चुअली इनसे दो दिन पहले पूछा है ना, दो दिन पहले पूछा ना, भाभी तुम मेरे पास 2 BHK लेने आए थे, 3 BHK और अभी ये 3 BHK का जो रूम है, अपने एंडिंग में आते आते भाभी की ख्वाहिश जो थी 3 BHK की वो पूरी हो गई, और भाई ने बड़ी मेहनत किया है अभी इसके लिए, पैसा भी यही भरेंगे। चलो माशाल्लाह, फहीम भाई बहुत अच्छे आदमी है, इनके पास जो भी आए रूम लो, और ये किसी को तकलीफ नहीं देते, और जगह भी आपको अच्छी देंगे, आप देख के फिर लो इनसे। मैं इनके पास आया था, देखा जब लिया हूँ, और बहुत अच्छे आदमी है, इनके जैसे आदमी आपको मिलेंगे नहीं, आप आओ यहाँ देखो उनके ऑफिस में, फिर आप रूम लो माशाल्लाह। तो अभी हमारे एजाज भाई जो है वो डोर में ही लगी है, ए इसमें, वाह। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अभी ये तो खुद का रूम तो ऑलरेडी इनका माशाल्लाह है फिर भी, और ये इनकी ख्वाहिश थी, एक शांति माहौल इनको चाहिए था, जो कि ये माहौल इनको मिला, और अभी यहाँ पे ये रहने के लिए आए, हमारे वीडियोस देखे, रहते यहीं थे, यहीं रहते रहते वीडियो देखे ना अभी, बालाजी में, मानपुर में थे जब ही वीडियो देखे थे, हाँ हाँ, फिर हम लोग यहाँ रहने के लिए आ गए, यहाँ रहने के बाद 2 महीने के बाद फिर हम लोग जाके, आपके रिलेटिव भी आजू बाजू में रहते हैं ना? नहीं नहीं रहते यहाँ पे। अरे बाप रे बाप, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज भाई, ये आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ये मैं थोड़ा सा लेता हूँ, बस बस बस, आपकी फैमिली को खिलाओ पहले, ये आपके लिए, बिस्मिल्लाह, क्या बात है, वाह वाह, ये देखो ये हमारे लिए। और मैं एक बात बताऊं, ख़ास तौर पे बम्बई जाके भाभी ने ये चीज़ हमारे लिए लेके आए, ख़ास तौर पे ना भाभी, सच बताना, सुबह उठ के गई हूँ मैं, सुबह उठ के गई, ख़ास तौर पे मैं, मेरे को ये मेरे को मालूम था ये भाभी इसी के लिए दौड़, इसके लिए दौड़ रहे थे ना भाभी, मेरे को पहले ही बोले थे भाई मैं बम्बई जाके आऊँगी तो ही लूँगी, मतलब कुछ तो भी बात था। जैसे कि आपके सामने देख रहे हो यहाँ पे, ये देखिए आपके सामने ये स्वीट्स के लिए इन्होंने बड़े दूर से, कहाँ गए थे भाभी? गोवंडी, गोवंडी जाके ले गए, और ये जो मोटा है ना उसके, वो क्या नाम है उसके भाई का, कदीम, हाँ उसके लिए मोटा, अरे वाह कदीम भाई, तुम्हारे लिए और एक गुफरान के लिए, हमारे लिए, हमारा नाम पहले ही रखना, नहीं नहीं, और मेरे दोस्त जो है जितने भी, हाँ गुफरान के लिए, एक गुफरान के लिए, कदीम के लिए, और एक हमारी स्टाफ होने के बाद, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब इनका जो है रूम की चाबी देने का टाइम आ गया है, काफ़ी टाइम से हमारे साथ भाभी जुड़े रहे, और ऐसे ही चाहते हैं कि हम लोग जो है जुड़े रहेंगे, और भी ये ऐसे ही रूम हमारे से परचेज करते रहेंगे। अभी इस वक्त की सिचुएशन में अभी हमारे भाभी ये चाबी जाएगी किसके हाथ में? ये मेरे दोनों बच्चे, दोनों बच्चों के हाथ में, क्या बात है, तो ये नहीं फूटेगा, संभाल के, संभाल नीचे से, ओ बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। ये देखिए हमारा काम हमने इनको पूरा किया, रूम की चाबी भी, अभी इस वक्त जो है आप लोगों ने अभी तक अगर रूम परचेस नहीं किया है तो रूम परचेस कर लीजिए, आने वाले टाइम में ये पूरा लोकेशन तो भर जाएगा, आपको दूर ही जाना पड़ेगा। तो हमारे वीडियोस को अगर आप देख रहे हैं ओपन प्लॉट रेडी रूम फ्लैट लेने के लिए तो आप ले सकते हैं, कुछ भी चाहिए, एकड़ से लेकर के 10 एकड़ तक के, 12 एकड़ और 10 गुंटा, एक गुंटा आपको सब मिल जाएगी। वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए, वीडियोस को शेयर कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।
फोड़ बच्चे लोग फोड़ो फोड़ दे फोड़ 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 जल्दी वो भी फोड़ 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 दे बेटा अभी और 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 ये भी जाओ उधर से लेके आओ जाओ जाओ फोड़ दे फोड़ दे लाओ 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 ये फोड़ बेटा जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से ले लेते उसके हाथ में भी दे और दे और दे और लाने के लाने फोड़ फोड़ बेटा फोड़ फोड़ और फोड़ एक भी फुग्गा बचना नहीं चाहिए एक भी फुग्गा बचना नहीं चाहिए क्या बात है ये धमाकेदार एंट्री और ये घर का जो है ओपनिंग होते हुए हमारे शमी मापा जी बहुत अच्छा लग रहा है इनके घर के अंदर बच्चे बड़े कहाँ मौका मिलेगा एक भी फुग्गा नहीं बचना चाहिए या सारे फुग्गे खत्म इधर आ जा हवा निकल गई इसकी तो जैसे दोस्तों देखा आपने ये पूरी फैमिली ने मिल करके बड़ा एंजॉय किया बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।